बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ जी आपके साथ। मैं आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। अपडेट ये है कि भाई आप भाइयों को जैसे कि पता है, सुबह उठकर यार ये वीडियो बना रहा हूँ मैं आज सुबह सुबह ही, अभी फजर का ये गालबन टाइम है। अच्छा, न्यूज़ ही कुछ ऐसी आई है, माशाल्लाह काफ़ी खुशी की न्यूज़ है। जैसा कि आप भाइयों को पता है, 7 दिन के लिए सऊदी अरब ने फ्लाइट बंद की थी, मजीद 7 दिन बढ़ाया गया था। और अभी न्यूज़ ये भी चल रही थी कि इनको मजीद 7 दिन बंद कर दिया गया, जिसके रिलेटेड मैं आप भाइयों के साथ आज सुबह ही न्यूज़ शेयर करने वाला था, लेकिन जैसे ही मैंने ये न्यूज़ पढ़ी है वो न्यूज़ मैंने कैंसिल कर दिया जी। वो एक फेक न्यूज़ थी, आप भाइयों को सिर्फ यही बताना था। अच्छा, बात करेंगे आज की न्यूज़ के मुतल्लिक, जो कि सऊदी अरब ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात का शुक्र है जी, सऊदी अरब ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स तमाम तर ममालिक के लिए खोल दी हैं आज ही के दिन से। यानी कि आज संडे है जी, इतवार का दिन है, आज ही के दिन से आप सऊदी अरेबिया में 11 बजे से इंटर हो सकते हैं। अभी अपनी टिकट वगैरह आप ले सकते हैं और 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे की और सऊदी अरेबिया में आप आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पाकिस्तान, इंडिया वगैरह, बांग्लादेश वगैरह भाइयों के लिए क्या हुक्म जारी किया गया है और यूरोप कंट्री वालों के लिए क्या हुक्म जारी किया गया है, वो तफसील के साथ आपके साथ थोड़ा मैं शेयर कर देता हूं इस न्यूज में। वज़ारत दाखिला की तरफ से कन्फर्म न्यूज है, इसमें कोई किसी किस्म का दूसरी राय ही नहीं है, कोई फेक न्यूज वाला मामला ही नहीं है। बात यह है कि जो यूरोप कंट्री से आएंगे उनको भाई 14 दिन के लिए कंटीना वगैरह करना होगा, और जो वहां से सऊदी हजरात भी सऊदी अरेबिया में आएंगे उनको भी 14 दिन के लिए कंटीना वगैरह करना होगा। जो मेरे पाकिस्तान से या बांग्लादेश या इंडिया वगैरह से भाई आएंगे सऊदी अरेबिया में, अभी जैसा कि आप भाइयों को पता है अल्हम्दुलिल्लाह फ्लाइट्स वगैरह पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह के भी खोल दी गई हैं, तो उनको भाई ये है कि कंटीना वगैरह नहीं करना होगा, सिर्फ अपना वो चेकअप वगैरह करवाना होगा। यहाँ पर जो टेम्परेचर वगैरह चेक करते हैं वो उनका करेंगे, वहां से आपका वो चेकअप वगैरह होगा, रिपोर्ट वगैरह आपकी साथ में लगेगी, टिकट वगैरह के साथ ही आपको भाई सफर करने की इजाजत है, कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। आपको अभी आप सऊदी अरेबिया में दाखिल हो सकते हैं, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भाई बोल रहे थे कि मजीद 7 दिन के लिए फ्लाइट से बंद की जा रही हैं, तो उनके लिए ये एक अच्छी न्यूज है जी, आप भी सुन ले कि सऊदी अरेबिया ने तमाम तर ममालिक के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट खोल दी है।